सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया। उनकी नई कैबिनेट भी तैयार हो गई, लेकिन एक चीज को लेकर, उनके एक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां बात कर रहे हैं हम नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी की, उनको लेकर विवाद हुआ है। जेडीयू के मेवालाल चौधरी पर भागलपुर कृषि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट भर्ती में धांधली का आरोप लगा था। तब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग आरजेडी और कांग्रेस के साथ सत्ता में थे और सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से मेवालाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। मामला अब भी कोर्ट में है और अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। ऐसे आरोप के बावजूद उन्हें शिक्षा मंत्री बनाने के नीतीश कुमार के फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। तेजस्वी ने एक और ट्वीट लिखा और लिखा कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया, अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया, सत्ता संरक्षित अपराधियों की मौज है, रिकॉर्ड तोड़ अपराध की बहार है, कुर्सी खातिर क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर मुख्यमंत्री जी प्रवचन जारी रखेंगे। और मेवालाल चौधरी से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, आइए सुनते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है, हमारे साथ हैं मेवालाल चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री बने हैं। सर, आपके कारण जो है पिछले 36 घंटे से सरकार विवादों में है, आपको क्या कहना है? बिल्कुल निराधार है, कोई सत्यता नहीं है, ना कोई आरोप पत्र है, और हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं इसलिए वो अब शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि वो लोग प्रकाष्ठा हैं। नहीं सर, लेकिन जो आज राष्ट्रपति हैं उन्होंने आपके खिलाफ में जब गवर्नर थे तो इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी में आप दोषी पाए गए और तब FIR हुआ। किसने कहा है? अभी तो अनुसंधान चल रही है, कुछ नहीं हुआ है, ना चार्जशीट हुआ है, सब निराधार है। लेकिन आपके अपने एफिडेविट में आपने माना है कि आप पे 120B, 420 का केस चल रहा है? नो, कभी नहीं। आपके एफिडेविट में है क्या? कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं लिखा है। पता नहीं कहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हम इन्फॉर्मर हैं, हम जानते हैं, हम बताएं, न्यायालय से कोई बड़ा है यहाँ पे? न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है। हम और आप क्या हैं? किसी के बारे में कोई बातें कह देना, और वैसा आदमी हम क्या कहें जो खुद लिप्त हैं, शोभा नहीं देता। सर, आपका भतीजा इसमें गिरफ्तार हुआ। मेरा कौन भतीजा गिरफ्तार हुआ? जो पैसे का लेन, आपको पता ही नहीं मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? हमारा भतीजा हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं? आपके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए गवर्नर के यहाँ मांगा गया, लोकल SP? हम तो कह रहे हैं कि हम इतने ही कह रहे हैं कि कुछ कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ है, न्यायालय का कोई फैसला है आपके पास? FIR तो है आपके ऊपर? FIR तो आज तो आचार संहिता के सभी विधायक के पास सभी कितने FIR होते हैं। अरे, कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ हो, न्यायालय का कोई फैसला, न्यायालय से हम लोग बड़े नहीं हैं। आपके बारे में अगर हम कुछ कह दें, आप बताइए ये कौन ऐसे IPS ऑफिसर हैं हमारे मैडम के बारे में बोली हैं? बताइए वो क्या हैं? वो जरा भी मतलब पूरी संस्कार और सभ्यता सब भूल गए। आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा होता, आज उनके पत्नी के साथ भी ऐसा होता, तो क्या हम तो कम से कम नहीं ऐसे? आप नीतीश कुमार सरकार के लिए सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट हो गए हैं। ये किसने कहा? हम चूंकि हम आरोप सिद्ध, हमको भाई न्यायालय, हम क्या कह रहे हैं? हम न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है, न्यायालय का इंतजार तो कीजिए आप। यू हैव बीन चार्ज्ड अंडर सेक्शन 120B। हु टोल्ड यू यार? बट आई हैव नॉट बीन प्रूफ फॉर एनीथिंग। हु टोल्ड यू? दीज आर ऑल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फैब्रिकेटेड, मैनिपुलेटेड। आपके साथ पूछताछ हुआ, हम आप सबसे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पार्टी से क्यों सस्पेंड किया? आप हम आपको एक ही चीज कह रहे हैं, आपने देखा नहीं? जो अनुसंधान करता है खुद बोला भी था अनुसंधान चल रही है, कोई चीज प्रूफ अगर हो तब ना। लेकिन पार्टी ने आपको निकाला था। हम कह रहे हैं कोई चीज प्रूफ हो तभी तो हम उसके बारे में कुछ बात करें।